हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मेरा प्लांट है, देखिए ब्लू बेल भी कहते हैं, ब्लू घंटी जिसे कहते हैं वो है। तो इसकी प्रूनिंग की थी मैंने, तो मैंने सोचा चलो इसकी कटिंग भी लगा दूं दो चार। तो छः इंच की कटिंग में ऐसे कट कर लूँगी। ये जैसे देख रहे हैं आप, ये नोड एरिया है, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए पेंसिल के बराबर, और 45 यानी कि तिरछा कट इस तरह से लगाएंगे, बिल्कुल शार्प कट। देख रहे हैं आप, ये इस तरह से ऐसे लगाएंगे। तो ये मैंने कुछ कटिंग रेडी कर ली है, एक दो कटिंग और रेडी कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नीचे नीचे फैल रही थी ये, तो मैंने सोचा चलो नीचे से कट कर दूँ, जिससे मिट्टी को हवा हवा लगती रहे। तो ये इतनी ढेर सारी ब्रांचेज निकली हैं, तो कुछ की कटिंग में लगा देती हूँ। तो ये 45 में ही कट की हुई है, अभी कट की ही थी आपके सामने मेरे हाथ। देख रहे हैं मैं मिट्टी सारी समेट रही हूँ, आज उत्तराखंड में बारिश बताई है तो मैं समेट ही रही थी। ये कोलियस की भी हालत ख़राब हो रही है धूप की वजह से, तो थोड़ा इन्हें शेड प्रोवाइड में ऐसी जगह रखूँगी जहाँ कम देर की धूप लगे। तो ये मिट्टी मैंने तैयार करके रखी है धान की भूसी वगैरह मिला के। तो इस तरह से हम होल कर लेंगे इस तरह से, और कम से कम इतनी इतनी हम अंदर डालेंगे इसमें, है ना। तो ये तो और किसी चीज़ की ब्रांच है, तो सूखी हुई है। तो इस तरह से हम ऐसे इसमें इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, ये ऐसे इतनी कम से कम 2.5 से 3 इंच, 2.5 इंच तो हम 2 इंच तो हम कर ही देंगे अंदर, इसमें मिट्टी में डाल देंगे। और ये फटाफट मैं कर देती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, खाना भी बनाना है मुझे जाके। और उल्टी सीधी का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये नोड एरिया इसमें है, ये यहाँ से स्प्राउट होते हैं, ये है, ये है, ये है। तो इस तरह से हम ऐसे लगा देंगे यूँ, देख रहे हैं आप। ये तो उल्टी सीधी का ध्यान रखिए, ये सीधा है इस तरह से, इसकी जो पत्ते हैं ऊपर को, और ये उल्टा है। तो इस तरह से मत लगाइए, इस तरह से लगा दीजिए, और कुछ थोड़ी सी ब्राउन हो जाए उसके बाद ही लगाइएगा। मैं पानी पहले भी डाल चुकी हूँ इसमें, है ना, तो इसमें पानी भी डाल चुकी हूँ। तो और ये मिट्टी मैंने कल परसों ही तैयार करके रखी हुई थी, कि जो भी अभी कटिंग वगैरह कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ लगा ही दूँ ब्रांच की, प्रून कर रही हूँ ब्रांचें किसी भी प्लांट की। तो मैंने ये पॉट तैयार करके रखे हैं, तो इन्हीं में मैं लगा दे रही हूँ इस तरह से, और सारे खूब अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि कहीं से भी एयर पॉकेट ना रहे, खूब अच्छे से दब जाए ये इस तरह से। और इसमें फिर से हम पानी लगा देंगे इस तरह से। इसमें मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट खाद भी मिला दी है, गोबर की खाद जो होती है ना वो मिलाई है, और कंपोस्ट मिली हुई है इसमें, तो अच्छे से ग्रो होगी ये। और इसे कवर भी कर देंगे क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अब तो इसे पॉलीथीन से कवर कर देंगे और शेडी प्लेस में रखेंगे जहाँ छाया रहे। तो मैं फटाफट ये भी काम निपटाती हूँ, और ये मैंने इसमें ये डाल दिया पानी भी, और इसे कवर कर दूँगी पॉलीथीन से, और छाया में रखूँगी, ऐसी जगह रखूँगी वहाँ पर, ये देखिए यहाँ रखूँगी इस तरह से। ये यहाँ पर धूप बहुत कम पड़ती है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रखूँगी कुछ। ये मैंने पान की कटिंग, पान के प्लांट तैयार किए थे वो भी मैंने इधर लगा दिए हैं, ये भी मैं यहाँ लगा देती हूँ। इधर हर श्रृंगार की छाया रहती है, इधर इसकी छाया रहती है। वैसे पॉलीथीन लेके आऊँगी तो कवर भी कर दूँ, क्योंकि अभी तो शाम का टाइम हो गया, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, सुबह में ला के कवर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये सारा मैस फैला हुआ है, आज मैं अभी समेट करके ही जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि रात में बारिश होगी। ये देखिए ये प्लांट है, ये नीचे से मैंने सारी प्रून कर दी है ये ब्रांचें, क्योंकि ये नीचे नीचे फैल रहा है, ऊपर को बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसमें मैं गोबर की खाद वगैरह भी लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसकी प्रून कर दी है। तो ये है वो मेरा प्लांट, और इसमें अब लग रहा है बर्ड्स आने वाली हैं ये, तो थोड़ी सी खाद भी दे दूंगी, क्योंकि बस पत्ते ही पत्ते बढ़ रहे हैं, फूल आ ही नहीं रहे, पत्ते कितने बड़े बड़े होने लगे, देखो आप ये। तो इसमें थोड़ा सा ये वर्क करूँगी अभी, सारी इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके इस तरह से, और इसमें मैं ये गोबर की खाद डाल के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी। ये ट्रांसप्लांट किया था मैंने रात रानी, तो इसके पत्ते सारे झड़ गए, शॉक में आ गया, खैर ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।